हाँ हाँ, yes वो जो के जो खिलाफ है तालिबान के भी और यूएसए के भी तो रिसेंटली दोनों के है मतलब, हाँ, दोनों के मतलब, एक नई तंजीम है यहाँ के, के बादशाह हाँ, आपने देखा होगा एयरपोर्ट हाँ। अटैक हुआ था काबुल जिसके अंदर नाइनटी अफगानिस्तान के लोग मारे गए सिटीजन मारे गए उसके अंदर शामिल थे ट्वेंटी फाइव अफगानी तालिबान तालिबान मारे और, मतलब हाँ। और तालिबान बाहर मतलब अभी अमेरिकन मौजूद हैं यहाँ पे और तो अटैक इस हिसाब से किया गया कि उसमें अमेरिकन भी मरे तालिबान भी मरे और कुछ अफगानी शहरी भी इसमें मारे गए हैं तो ये खतरनाक सूरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है सबसे ज्यादा

हेलो आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड मैं हूं प्रशांत धवन नाउ यूएसए ने दावा यह किया है कि जिस आदमी ने प्लान किया था काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट को उसको इन्होंने यहां पे मार दिया है अफगानिस्तान में एक ड्रोन स्ट्राइक करके नाउ ये मैं क्लियर कर दूं कि काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट जिसमें यह बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट 200 लोग मारे जा चुके हैं कई यूएस सोल्जर्स भी थे यहां पर यह अटैक कैरी आउट किया था एक सुसाइड बॉम्बर ने तो जिसने अटैक किया था उससे तो बदला यहां पे ले नहीं पाएंगे ये मगर जो मास्टरमाइंड है वहां पे यूएस दावा कर रहा है कि उसको उन्होंने यहां पर पनिश कर दिया है यहां पे आप देखोगे आर्टिकल है किल्ड द टारगेट ये जो तीन शब्द हैं आज के समय यूएसए में हर जगह ट्रेंड कर रहे हैं किल्ड द टारगेट जो बाइडेन ने भी अपनी स्पीच में यह कहा था कि वी विल नॉट फॉरगेट वी विल नॉट फॉरगिव हम ना भूलेंगे ना यहां पर हम माफी देंगे हम जल्द से जल्द बदला लेंगे इस अटैक का नावगराब यहाँ पे सोच रहे हैं कि वाह यू एस कितना इंप्रेसिव है प्रेसिडेंट ने कहा कि बदला लेंगे विद इन अ फ्यू आवर्स यू एस एयर स्ट्राइक्स भी कर देता है और इनको पता है कि टारगेट कहाँ पर लोकेटेड है यू एस को कैसे पता लग गया कि यही इंसान था और यू एस यहाँ पर यह भी कह रहे हैं कि जिस आदमी को इन्होंने यहाँ पर मारा है उसके आसपास कोई सिविलियन नहीं थे कोई सिविलियंस यहाँ पर नहीं मारे गए ड्रोन ने बिल्कुल प्रिसिशन यहाँ पर स्ट्राइक करी है और आतंकवादी मारा गया नाव Uh, अगर आप ये सब सोच रहे हैं तो दिस इज़ नॉट रियली द रियलिटी मैं हमेशा ये कहता हूं द डेवल इज़ इन द डिटेल्स डिटेल्स आप पढ़ोगे तब आप समझ पाओगे कि एक्चुअली ये पूरा केस इंटेलिजेंस फेलियर था और अभी भी यूएस जो यहां पर कर रहा है ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल ही कर रहा है ना पहली बात तो आप नोटिस करोगे कि ये वो इलाका है जहां पर यूएस के ड्रोन ने करी है एयर स्ट्राइक और बिल्कुल आप नोटिस करोगे कि ये एरिया पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत ज़रा करीब है देखो जो आईस खुरासान है जिसके बारे में में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो इस्लामिक स्टेट का आप कह सकते हैं एशियन वर्जन जो चाहता है इस तरीके से खुरासान एम्पायर यह स्थापित करें यहाँ पर एशिया में इन लोगों के जो 99 परसेंट आतंकवादी हैं ये आपको मिलेंगे अफगानिस्तान के प्राइमरली दो प्रोविंस में एक तो है कुनार प्रोविंस दूसरा है नंगरार प्रोविंस जो ये दूसरा प्रोविंस है ना यहाँ पर यूएस ने किया है एयर स्ट्राइक और पिछले पांच साल से पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान की बॉर्डर के पास जो ये प्रोविंस है अफगानिस्तान का यहां पर इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी ट्रेनिंग करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको पूरा अफगानिस्तान यहाँ पे खोजना पड़ा ऑलरेडी इनको पता ही था कि अगर इस्लामिक स्टेट ने काबुल एयरपोर्ट पे अटैक किया है तो 95 परसेंट जो इनका टारगेट है जो यहाँ पे मास्टरमाइंड है ये इसी प्रोविंस में छुपा होगा नाउ अब हम बात करते हैं यूएस की इनकॉम्पिटेंसी की देखो यूएस को पता था कि ये जो दो प्रोविंस हैं यहाँ पे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं मगर यूएस ने तब भी प्रॉपरली इन आतंकवादियों को खत्म नहीं किया मार्च 2020 में यूएसए के एक जनरल है जनरल मकैनजी इन्होंने यूएस पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था टेस्टिफाई किया था और ये इनकी स्टेटमेंट वेल डॉक्यूमेंटेड है आपको यूएस पार्लियामेंट के जो डॉक्यूमेंट है वहां पर यह स्टेटमेंट मिल जाएगी इनके जनरल ने यह कहा था कि हमने नंगहार प्रोविंस से आईसी को खत्म कर दिया है हमने तालिबान की हेल्प ली है जी हाँ मार्च 2020 में ही यूएसए ने एडमिट कर लिया था कि हम यहाँ पे तालिबान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इनकी कोऑपरेशन के साथ मिलकर हमने इस्लामिक स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है इस प्रोविंस में और मकैनजी ने फिर यहाँ पर ऐड करी थी ये स्टेटमेंट कि बहुत खून खराबा हुआ मगर तालिबान यहाँ पर सक्सेसफुल रहा और आई आज के समय नंगरहार प्रोविंस को कंट्रोल नहीं करता मगर क्लियरली यहाँ पर या तो तालिबान ने मूर्ख बनाया है यूएसए को या फिर यूएस समझ नहीं पाया कि आज भी यहाँ पर आतंकवादी मौजूद हैं और इन्हीं लोगों ने काबुल एयरपोर्ट पर अटैक किया और कई यूएस एस मरीन्स मार डाले तो देखो अगर पहले ही यूएस फोर्सेस फोर्सेज प्रॉपरली काम करती इन दो प्रोविंसेस से इस्लामिक स्टेट को प्रॉपरली खत्म कर देती तालिबान पर भरोसा ना कर दी क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियरली यही हुआ है तालिबान ने गलत इंफॉर्मेशन दी है यूएसए को कि इन दो प्रोवेंसेज से इस्लामिक स्टेट खत्म हो चुका है जबकि क्लियरली हम देख रहे हैं कि ये बहुत हद तक यहाँ पे एक्टिव है बड़े स्केल पर आतंकवादी हमला ये लोग कर सकते हैं तो अगेन अगर ये लोग प्रॉपरली इन प्रोवेंसेज से इस्लामिक स्टेट को अगर खदेड़ देते तो ये आतंकवादी हमला ना होता खैरणी वे अब बात करते हैं यूएस के बदले की कि इन्होंने बदला लिया कैसे है ड्रोन स्ट्राइक्स करी है अब ड्रोन स्ट्राइक कैसे करी है कौन सा ड्रोन यूज किया है यहां पर इन्होंने यूज किया है एम के नाइन रीपर अटैक ड्रोन यहां पे आप देख पाओगे ये है एम के नाइन रीपर और यहां पर यूएस ने दो टाइप के मिसाइल यूज किए हैं एक है जीबी यू ट्वेल्व वे टू मिसाइल दूसरा है एचीएम डबल वन फोर हेल्फॉर मिसाइल नाउ जो ये ए जी एम डबल वन फोर मिसाइल है ये आज के समय भारत के पास भी है डिलीवरी अभी कंफर्म हुई नहीं है मगर हमने ये मिसाइल परचेज किया है फ्रॉम यू एस ए हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए यहाँ पे आप देख पाओगे जो एक मिसाइल है ये इसकी कीमत है एक लाख सत्रह हजार डॉलर और इस मिसाइल पर लॉकेड मार्टिन बोइंग दोनों ने मिलकर काम किया है प्रिस्टेशन के मामले में बताया जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है और हम लोग इस मिसाइल को यूज करेंगे थ्रू दी अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर ना एक क्वेश्चन यहाँ पर आप यही पूछ सकते हैं कि यूएसए ने इतनी जल्दी यहाँ पर अटैक क्यों किया है देखिए इसके दो रीज़न है पहली बात तो जो बाइडन की जो रेपुटेशन है हाल ही में हुए काबुल टेरिस अटैक के बाद ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी अमेरिकन चाहे डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहे जो बाइडन से तो ये अटैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो बारेन की क्रेडिबिलिटी के लिए और इवन यूएस मिलिट्री की क्रेडिबिलिटी के लिए दूसरा यहां पर रीजन ये है कि व्हाइट हाउस ने यह कहा था कि जो काबुल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है इसके बाद और भी आतंकवादी हमले अभी हो सकते हैं इसलिए आपने देखा होगा कि इमीडिएट बेसिस पर यूके फ्रांस वेरियस कंट्रीज ने अभी के लिए जो अपना इवैक्यूएशन प्रोग्राम है कह दिया है कि हम बहुत ही जल्द रैपअप कर देंगे और हम काबुल एयरपोर्ट से दूर रहेंगे यहां पे आप देखोगे द गार्डियन का आर्टिकल है अनदर टेरर अटैक इन काबुल लाइकली वाइट हाउस सेज तो फिर से जो ये आतंकवादी हमला होना था मोस्ट प्रोब्ली ये नंगरा प्रोविंस से ही होना था तो आप कह सकते हैं फ्यूचर टेरर अटैक्स को रोकने की भी ये कोशिश है हालांकि अगेन जो बाइडन की यहाँ पर फंडामेंटल मिस्टेक ये है कि ये यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि दो टाइप के आतंकवादी होते हैं गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म तालिबान यूएसए के हिसाब से गुड टेररिज्म है आईसेस बैड टेररिज्म है जबकि यहाँ पे यूएस की पॉलिसी होनी चाहिए थी कि ऑल फॉर्म ऑफ टेररिज्म इज बैड तो इन द फ्यूचर अफगानिस्तान एक आतंकवादी हुआ गढ़ ना बन जाए इसके लिए यूएसए की सारी इन्वेस्टमेंट अब हो गई है तालिबान पर ये तालिबान पर डिपेंड करेंगे कि ये लोग इस्लामिक स्टेट को उभरने ना दें इसलिए कई जियो पोलिटिकलिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो बाइडन यहाँ पर चोर को ही तिजोरी का गार्ड बनाकर जा रहे हैं और इस उम्मीद से यहाँ पर जा रहे हैं कि ये गार्ड इस तिजोरी की कई सालों तक रक्षा करेगा तो फॉर अ टाइम बिंग यही कहूंगा कि एटलीस्ट यूएस को जाने से पहले इंश्योर करना चाहिए कि ये जो दो अफगानिस्तान में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आतंकवाद खत्म हो नहीं तो इन द फ्यूचर ये जो दो प्रोवेंसेज हैं यहां से इस्लामिक स्टेट फैल सकता है और पूरे रीजन को बड़े स्केल पर डैमेज कर सकता है थ्रू टेररिज्म खैर फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ओके पे पे जो है वीडियो वीडियो करते करते हैं तो करते हैं एंड एंड तो को तो हमें काफ़ी वीडियो के अंदर इन्फॉर्मेशन मिली है रिलेटेड टू मतलब कैसे आई एस आई एस जो टेररिस्ट ग्रुप है ना ना के सिर्फ दो सिटीज़ में बल्कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी हिस्सों के अंदर देखा जा रहा है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव है और ये भी गार्डियन के आर्टिकल में हमने देखा उसके जो तो टाइटल में ये लिखा था कि काबुल में दोबारा हमले हो सकते हैं व्हाइट हाउस की जान से ये नगरार के अंदर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद था मौजूद थे और यू एस आर्मी को ये था कि शायद ही खत्म हो गए हैं ठीक है क्योंकि तालिबान ने यही इंश्योर करा दिया था कि भाई यहाँ से इनको ख़त्म कर दिया हाँ, गया है लेकिन वो दोबारा उभर आए हैं उसमें तालिबान भी मारे गए हैं इस अटैक में अमेरिकन भी मारे गए आम अफगानी भी मारे गए अब अमेरिका ने कहा भी हमें फ़ौरी तौर पर बदला लेना ज़रूरी है क्योंकि ये बात बिल्कुल उनकी दुरुस्त भी है कि जो बाइडन से हसन काफ़ी अमेरिका के जो मतलब उनकी ओपोजिशन है और जो पार्टीज हैं काफी इनसे अभी गुस्से में आई हुई है कि आपने अफगानिस्तान को क्यों इतना पैसा लगा के 20 साल बाद वापस आना शुरू कर दिया के इन्होंने अब तक खर्च किया और विदाउट एनी मैं कहता हूँ मेजर प्रोग्रेस के आपने कुछ बहुत ज्यादा हासिल कर लिया तो इसलिए जो बाइडन अभी ये सोच रहे हैं कि अपनी इज्जत कैसे बचानी है इस चीज़ को कैसे मेंटेन करना है कवर कैसे करना है इसीलिए बिल्कुल दुरुस्त है प्रशांत धवन साहब ने कि कि का एक है। का।, दौलर्स दौलर्स का का।, का।, एक एक मिसाइल मिसाइल है है डॉलर्स डॉलर्स जो उनको ठीक <laughs> है ना तो वो फौरी तौर पे किया यार हाँ, ये अभी थोर रिसेंटली अटैक हुआ तो फौरी तौर पे जवाब दिया गया ड्रोन अटैक किया गया ताकि उनको बताया जाए भी अभी अमेरिकन को भी बताया जाए अफगानियों को भी बताया जाए कि अमेरिकन अभी जो है यहाँ पे मौजूद हैं अभी गए नहीं है कम्पलीट तौर पर तो अभी कुछ भी हो सकता है अगर वो अटैक करेंगे तो इसका जवाब दिया जाएगा तो अब ये एक नया मसला खड़ा हो गया तालिबान के लिए भी मेरे हिसाब से कि अब तालिबान तो मतलब हम भी एक आम बंदा पाकिस्तानी पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि बस अफगानिस्तान के अंदर सिर्फ शायद तालिबान ही हैं हाँ। और बस उनका कंट्रोल हो गया तो बस समझो अब उनके पास ही अफगानिस्तान लेकिन ये एक नई रेजिस्टेंस है ना काफी वीडियोस में ये भी कहा था कि ग्रुप्स के अंदर भी कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होता है सब ग्रुप्स होते हैं, होते हैं तो हमें आप पता चला है कि इसके अंदर एक ग्रुप है जिसको इस्लामिक स्टेट आई एस आई एस है और ये पहले से मौजूद है ये पहले से मौजूद है और ये मजे की बात ये है कि अफगानिस्तान तालिबान के भी खिलाफ है और यू एस हाँ। के तो खिलाफ है और पाकिस्तान के भी खिलाफ है मतलब ये सब के लिए यहाँ पे खतरा बन रहा है तो इस इसपे जो है ना मेरे ख्याल से काफी स्ट्रेटजी है ना कोई बनानी पड़ेगी सब कंट्रीज को मिल बेशक वो पाकिस्तान अफगानिस्तान है अमेरिका या किसी को भी अगर इससे खतरा अगर इंडिया को भी है कोई मतलब मतलब इशू तो उसको भी मतलब जो ना कुछ ना कुछ, कुछ सबको एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई आगे क्या करना चाहिए लेकिन मुझे नहीं लगता हसन ये इकट्ठे होंगे होंगे पहले तालिबान के इशू पे भी इकट्ठे नहीं हो सके ठीक है वो जो होता रहा समझ से बाहर था किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था हो क्या है ठीक है तो समझ से बाहर है चीज ना तो क्या सीन हो रहा है ये है कि खतरे की घंटी तो है बिकॉज तालिबान जो आई एस आई आई एस के जो तालिबान है तालिबान कहूंगा या क्या कहूं दैशिकर कहूं अलग गया? मतलब अलग ग्रुप तो कह सकते हैं आप ग्रुप कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी कह सकते हैं हां ये कह सकते, तो सकते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है वो इस कदर एक्सट्रीम है आप देख सकते हैं कि टू सुसाइड बॉम्बर्स जो थे जिन्होंने एयरपोर्ट अटैक किया वो किस कदर उनकी ब्रेन वॉशिंग की होगी तो काफी उधर जो, तालीब, हाँ, जो ये ब्रेन वॉशिंग की होगी तो भी, काफी आ, इसमें अफ, आम अफगानी भी मरेंगे उनको पता होगा यार कि आम अफगानी भी मरेंगे तालिबान भी मरेंगे यूएस आर्मी भी मरेंगे मगर तुम्हें जन्नत में जगह हाँ, मिल उन्होंने किसी में डिस्क्रिमिनेट नहीं करवाया हालांकि अफगानी भी उनको बंदा सोचे मुसलमान थे एक अंदाजे से मतलब एक मतलब कॉमन सेंस से अगर वो ये कह रहे हैं काफिरों को मार दो तो हाँ। मुसलमानों को भी मारा काफिरों को भी मारा ये मतलब कहाँ का मतलब ये ब्रेन वॉशिंग इस टाइप से करते हैं कि जो तुम्हारे साथ जो मुसलमान बने वो तुम्हारे साथ जाएंगे हाँ। पता नहीं क्या ये करते हैं। ऐसे होता है ये, तो ये हमारे कंडेम करते हैं हम इसको चीज को मानते ही नहीं है मुस्लिम यहाँ पर एंड करते हैं आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ये इंटरेस्टिंग वीडियो ऐसी आपको मिलती रहेंगी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी मुझे हसन आसर माजती इजाजत खुदा, खुदा हाफिज़